हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फैक्ट्री में। दोस्तों, हिंदुइज्म के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं और हर मंदिर की लगभग अपनी एक अलग कहानी है, अपना एक अलग इतिहास है और इस सीरीज में मैं ऐसे ही मंदिरों के बारे में बात करने वाला हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केदारनाथ मंदिर के बारे में। ये वो मंदिर है जिसको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, तो जाहिर है मैं ऐसे मुद्दों के बारे में बात करूंगा, ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करूँ जो शायद आपको ना बताऊँ। और हम हमेशा से जिज्ञासु रहते हैं जब भी हम ऐसी जगह पर पहुँचते हैं। ये मंदिर अपने आप में इतना विशालकाय है कि अपने आप दिमाग में क्वेश्चन आने लगते हैं कि मंदिर किसने बनाया होगा, कब बनाया होगा, क्यों बनाया होगा, क्यों इस जगह पर ये मंदिर बनाया गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो। तो सबसे पहला सवाल कि ये मंदिर कब बनाया गया। ये मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है, यानी 1000 साल पहले बनाया गया था। और उस समय इस लेवल का एक इंजीनियरिंग मार्वल प्रेजेंट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसके अंदर जो इंटरलॉकिंग पैटर्न का इस्तेमाल किया गया है वो इसको केपेबल बनाता है कि ये बड़ी से बड़ी प्राकृतिक आपदा के सामने भी टिका रहे, टस से मस ना हो। तो उस समय एक ऐसा स्ट्रक्चर बना करके तैयार करना वाकई एक बहुत विचित्र बात है। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द क्वेश्चन नंबर 2, ये मंदिर किसने बनाया है, हु मेड दिस टेम्पल। तो ये मंदिर बनाया था पांडवों ने। अब पांडवों की बात आते ही जाहिर है कि इस मंदिर के, यानी जो केदारनाथ मंदिर है, इसके तार महाभारत से भी जुड़े हैं, उससे कुछ ना कुछ एक कहानी जुड़ी है जिसकी वजह से ये मंदिर बना। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल जो मुझे लगता है कि ये जगह क्यों आइडेंटिफाई की गई, क्योंकि पांडवों का जन्म हुआ था वेस्टर्न यूपी, यानी जो आज की तारीख में वेस्टर्न यूपी का एरिया है, हरियाणा है, वो वहाँ रहते थे। वहाँ से जो आज की तारीख में उत्तराखंड रुद्रप्रयाग जो ज़िला है वहाँ पर ये मंदिर बना है, तो वहाँ जाने की क्या ज़रूरत पड़ी, वहाँ इन्होंने क्यों ये जगह आइडेंटिफाई की है, वहाँ बनना चाहिए, तो इसके बारे में आगे वीडियो में बात करूँगा। तो इसीलिए सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वाई पांडवाज वेंट देयर, वो वहाँ क्यों गए थे। तो रीज़न ये है कि जब पांडवों ने अपने कज़न ब्रदर यानी दुर्योधन को मारा, तो उन्हें जाहिर है ये फील हुआ कि उनसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया, और उस पाप को धोने के लिए वो लोग शिवजी से मिलने गए थे। उनको ढूंढते हुए तो उनको पता था कि यहाँ शिवजी जो है कहीं कैलाश पर्वत के आसपास कहीं मिलेंगे। एंड दैट वाज़ अ रीज़न कि उन्होंने इस केदारनाथ मंदिर जो आज जहाँ बना है, यानी जो आज की तारीख में जिला रुद्रप्रयाग है, वो वहाँ पहुँचे। और ये सब इतना आसान नहीं था कि पांडव वहाँ गए और उनसे मिल लिए हों। रीज़न बीइंग कि शिवजी भगवान हैं, वो भी उनसे खुश नहीं थे क्योंकि वो अपने भाई की मृत्यु करके आए थे, अपने भाई को मार करके आए थे। एंड दैट वाज द रीज़न कि शिवजी भी कहीं जा करके छुप गए। और तब जाहिर है पांडवों के पास एक सर्च ऑपरेशन चलाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। और जब बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रयास किए तब शिवजी उनसे प्रसन्न हुए और एक बैल के फॉर्म में, एक बैल के रूप में वो उनके सामने अपीयर हुए। और उसके बाद ये माना जाता है कि वहाँ पर एक भू शिवलिंग, यानी ज़मीन में से एक शिवलिंग अपीयर हुआ, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसकी पूजा आज तक की जाती है। और इस बात के साक्ष्य आप ऐसे ही मान सकते हो कि जो मंदिर का गर्भगृह है उसके बाहर जो जगह है वहाँ पर पांचों पांडव और द्रौपदी का जो चित्रण है वो बना हुआ है, मूर्ति काइंड ऑफ एक बनी हुई है। वेल, ये बात तो बहुत पक्की है कि 1000 साल पहले ऐसा एक स्ट्रक्चर तैयार करना अपने आप में एक बहुत मुश्किल बात थी, जो कि किसी भी प्राकृतिक आपदा के लिए तैयार है, क्योंकि जिस इंटरलॉकिंग पैटर्न के साथ ये बना है वो इसको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है, क्योंकि कुछ इसकी जो दीवारें हैं वो 7 फिट से ज़्यादा चौड़ी बताई जाती हैं, यानी मेरी हाइट से ज़्यादा चौड़ी तो इसकी दीवारें हैं। और समुद्र तल से लगभग 3500 मीटर से ज़्यादा हाइट पर ऐसे पत्थर को ले जाना, या फिर यदि मान लीजिए वो पत्थर वहीं के हों तो उनकी कटिंग करना, और इतनी परफेक्ट शेप में कि एक स्क्वायर जो चबूतरा है वो बनाया गया, उसके ऊपर ये पूरा मंदिर बना हुआ है, ऐसा सब कुछ 1000 साल पहले जाहिर है इतना आसान तो नहीं था। और एक और जो चौंकाने वाला फैक्ट है कि अगर आप ये फोटो देखें तो इसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो मंदिर है वो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। और एक समय ऐसा था कि ये 400 सालों तक बर्फ की चादर के नीचे दबा हुआ था, यानी बर्फ के अंदर दबा। और ये सब उन स्टडीज से प्रूफ होता है जिनमें ये पाया गया कि जो मंदिर की आउटर सरफेस है उसके ऊपर येलो मार्क्स है, और ये येलो मार्क्स तब बनते हैं जब बर्फ स्लोली पिघलती है किसी सरफेस के ऊपर। तो जाहिर है कि वो मंदिर लगभग 400 सालों के लिए उस बर्फ की चादर के नीचे दबा था। आई होप आपको जो फैक्ट्स मैंने आज बताए हैं वो आपने पहले नहीं सुने होंगे, और इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर लो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उस बेल आइकन को प्रेस कर लो। और आगे सीरीज में ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं जिनमें मैं भारत के अलग अलग मंदिरों के बारे में बात करूंगा कि क्या कहानी उनके पीछे है, क्यों उन्हें बनाया गया, किसने उन्हें बनाया, कितने पुराने वो मंदिर हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।